खरगोन शहर के विद्युत नगर क्षेत्र में एक छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुबह फंदे पर शव झूलता देख साथ रह रहे भाई बहन ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार हरीश पिता भारत खांडे ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। रिश्तेदारों ने बताया, हरीश काकड़िया निवासी होकर अपने भाई और बहन के साथ विद्युत नगर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। गुरुवार सुबह जब अपने कमरे से बाहर नहीं आया तो उसके भाई ने दरवाजा खटखटाया। कुछ हलचल नहीं होने पर खिड़की से झांक कर देखा तो वह पंखे से लटकता दिखाई दिया। परिजनों के मुताबिक उसे कोई परेशानी नहीं थी। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। विद्युत नगर राम मंदिर खरगोन में हमारा मतलब हमारे गांव से भारत का लड़का जो कि यही मकान है उसमें रहते थे और पढ़ता था। कॉलेज कम्प्लीट थी, पटवारी की तैयारी कर रहा था। मतलब जब अपने कमरे में सोया हुआ था सुबह, मतलब बच्चों ने दरवाजा ठोका तो दरवाजा नहीं खुला, तो उन्होंने कहीं खिड़की विड़की से देखा तो वो लटका हुआ था। जो कि हम फिर आए उसके स्वयं के कमरे में आके ना, फिर हमने पुलिस 100 नंबर को बुलाया और विवेचना के लिए पुलिस थाने में खबर करी और पोस्टमार्टम के लिए लेके यहाँ दवाखाने में आए। कहाँ रहते थे ये? मतलब स्वयं के मकान में, कुंदा नगर खरगोन में। कौन कौन रहता? उनके साथ विद्युत नगर मतलब उनके साथ उनका छोटा भाई और बहन थी, तीन भाई बहन रहते थे। कारण मालूम? कुछ कारण नहीं है मालूम नहीं। कोई वैसे तो कोई खाने पीने वाला था ही नहीं, राधा स्वामी से सत्संग से जुड़ा हुआ बालक था, पर मालूम नहीं। उम्र 22 वर्ष, भारत खोड़े। मैं बयान सिंह पटेल, सरपंच प्रतिनिधि हूँ बहादुरपुरा। मेरा भी मतलब गांव का ही भतीजा लगता था मेरा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।